फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तुम्हारा भाई बढ़िया भाई। बैटरी होगी लो, आपको लगेंगे ड्रोन शॉट इतने प्यारे मस्त लगे ना भाई, तो एक लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो भाई अपना पूरा ड्रोन एक बार दिखा दो भाई। अभी इसको ना उतारने का टाइम आ गया, तो की बैटरी लो है। और भाई हमको जाना है आज पोखरा। पोखरा जाएंगे ना, तो पोखरा की जर्नी है 7-5 घंटे का शो कर रहा है। हम लोगों को 7 घंटे लगे, क्योंकि भाई अभी पूरा माउंटेन एरिया है इधर से, और माउंटेन एरिया इधर से स्टार्ट हो चुका है। मेरे पीछे देखो पूरा माउंटेन से, ये मतलब समझ सकते हो अपना जो इंडिया वाले या दिल्ली वाले उनके लिए ये मान लो ये हरिद्वार है, क्योंकि हरिद्वार से जैसे रेंज स्टार्ट होती है ऐसे बुढ़वाल से पूरा यहाँ पे माउंटेन से रेंज स्टार्ट होती है। जावा उधर वो रही भाई, इधर ना आपको नेपाल में क्लासिक भी मिलेगी, बट देखो भैया ने कितनी अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी है। इधर भाई बच्चे देखो, उधर आपको उधर मुर्गियाँ वर्गियाँ सब मिल जाए ऑलमोस्ट उधर। तो भाई हम लोकल यहाँ पर स्टे कर रहे थे। इधर ना जो बाइक्स में ना अगर आपके साइड मिरर नहीं है ना तो यहाँ पे चालन कर देते हैं तुरंत, और हेलमेट होना कंपलसरी। जो बंदा राइड कर रहा है चला रहा है उसके लिए कंपलसरी, पीछे वाले के पास ना हो तो चलता है, पुलिस वाले नहीं पकड़ते। विष्णु सर और भाई देखो अब इनका पूरा बैग इधर पड़ा है भाई का, तुम्हारे का सारा पैक है। हाँ भाई क्या रहा है, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ क्या हमारी लाइफ से कल का दिन कट गया है। तो भाई इस पे ना देखोगे आप तो 30 रुपीज़ लिखा है। तो भाई इधर ना मतलब जो अपना रियल फ्रूट का जूस है वो इंडिया से आता है, बट इस पे जो MRP है ना वो आपका यहाँ पे नेपाल में लगता है। और भाई ये इंडिया में 20 रुपये का या 30 रुपये का। तो भाई कल हमने क्या करा, ये अराउंड 10,000 रुपये है नेपाली, तो ये हमने कराया था 6,000 रुपये का, 6,000 का 10,000 हुआ था। यहाँ पे क्या है, 1 रुपया हमारे इंडिया का 1.6, मतलब मान लो अगर 100 रुपये आपके पास तो 160 रुपये हो जाएंगे नेपाली। तो हर हर महादेव। तो भाई साहब महादेव का नाम लेके आज की जो राइड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। विष्णु भाई चलो मैं आगे आ जाओ। पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ना पीछे वाले टायर में थोड़ी हवा कम है, एक बार मैं उसको चेक करा लेता हूँ। अभी यहाँ पे ना हर जगह तो नहीं मिलते जैसे अपने इंडिया में है ना, कि आपको टायर पंचर वाले हवा वाले मिल जाते हैं इजीली। तो भाई यहाँ पे ना हमको एक अच्छी जानकारी मिली, जानकारी ये थी कि भाई यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन आर्मी में काम करते हैं, इधर से जाते हैं उधर काम करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में जितनी भी गोरखा रेंज है ना, गोरखा में मोस्टली आपको हिमाचल उत्तराखंड और आपका नेपाल के लोग बहुत सारे मिलेंगे उधर। कि हर बंदे की बाइक में ना आपको साइड मिरर मिलेंगे, ये देखो ये देखो, किसी की भी देख लो आपको बिना साइड मिरर ना यहाँ पे आपको जो आपकी नेपाल पुलिस है वो चालान कर देगी आपका सीधा। तो भाई आपको KTM ड्यूक भी मिल जाएगी देखने के लिए। तो यहाँ पे ना बस दो ही सिम कार्ड मिलते हैं मेनली, एक नमस्ते का मिलता है और एक NCL का मिलता है। अब देखते हैं हमारे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, एक बार पूछना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मुझे लगता है अभी स्टोर ओपन ही हुआ है, सिम मिल जाएगा अभी। सिम कार्ड के लिए मैं अपने शॉट दिखा दूंगा, देख लेना साइड में। मतलब हमको पूरा वेरिफिकेशन है, फोटो आधार कार्ड, ये यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नहीं चलता है, तो ये अच्छी आपको याद रखना है पूरा। भाई साहब फाइनली सिम मिल गया, मतलब 750 रुपये नेपाली आपका पड़ी है 20 GB की, और मैंने जो लिया 5 GB वाले लिए हैं, हमने दोनों ने टोटल 25 GB कर लिया। ये 7 दिन की है नहीं जाएगा। तो भाई साहब अपने फ़ोन में आ गए नेटवर्क, ये देख लो ये वाला सिम कार्ड चालू हो गया। हमने लिया NCL का 750 रुपये में, हमको मिला 25 GB डाटा, दोनों भाई को सिम कार्ड मिल गया 750 ही, मतलब कह सकते हो आप इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका 350 के आसपास या 450 के अराउंड कुछ। तो बता दो भाई ने गलती से बोल लिया कि हम जा सकते हैं ना, उन्होंने कहा कि इस सीज़न में क्यों आए हो, इस टू डेंजरस, लैंडस्लाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब भाई बंदे को ना बिल्कुल डिमोटिवेट कर दिया यार। तो यहाँ जो पेट्रोल पंप्स हैं ना वो ऐसे ही मिलेंगे आपको, इंडियन ऑयल टाइप के पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे इधर, क्योंकि देखोगे आप एक छोटी सी शॉप के अंदर इन्होंने पेट्रोल पंप थोड़ा अपना ओपन कर रखा है। 175 रुपये लीटर है पेट्रोल यहाँ पे, नेपाली है ना तो वही आ गया। हाँ 107-108 हो गया, अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना 175 का इंडियन रुपीज़ से तो 107-108 रुपये के अराउंड ये पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा बढ़वाल से निकलते रहे, हमारा पूरा माउंटेन वाली राइड स्टार्ट हो गई है।
और इधर से मतलब अराउंड है 156 और मैप पे शो कर रहा है 5.5 घंटे है, तो मैंने नेविगेशन नहीं लगाई, विष्णु भाई ने लगाई है क्योंकि वो आगे लीड करेंगे, मैं इनके पीछे चलूँगा बिकॉज उनका स्कूटर है, मेरी बाइक है, मेरी बाइक कहीं निकल सकती अगर, क्योंकि मैं आगे निकल गया ना वो पीछे रह गए तो फंस जाएंगे। तो भाई मैं अकेला नहीं हूँ जो इंडिया से आया हूँ, देखो आगे जो गाड़ी चल रही है JH, वो झारखंड की गाड़ी है, तो मेरे ना टायर पीछे वाला थोड़ा ना स्लिप हो रहा है कि भाई एक बार ना हवा चेक करा ली जाए, भैया हवा देखना एक बार, हवा देखो पीछे वाले टायर में जी भैया, जी एस राइडर ये चैनल है भैया मेरा ये वाला, अभी याद रहेगा आपको, हाँ ठीक है। कैसा लग रहा है अभी तक? तो सही है, ऐसा मौसम है तो मजा आ जाएगा, नहीं हो रही बारिश, पन्नी हटा दी भाई। ये IGI 1 कितने का? ये 15,000 कैमरा भाई, वाटर रेसिस्टेंट नहीं है भाई, हर बार ना पन्नी लगानी पड़ती है भाई। सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी तक हमको कोई वाटर क्रॉसिंग फालतू नहीं मिली है, मिलेगी मज़ा आएगा, हम आए उसी चीज़ के लिए, प्रिपेयर हो गए हैं बिल्कुल बढ़िया। तो पहले तो ये देखो ब्रिज, और भाई इस ब्रिज के ऊपर ऐसा ना फील हो रहा है बिल्कुल जैसे हम केदारनाथ वगैरह में आ गए। भैया कौन सी नदी है ये? रामदी। कहाँ से आती है? मस्तांग से आती है। मस्तांग से आती है और जाती कहाँ है? जाने या नहीं पता। ओके थैंक यू भैया। ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी यहाँ क्रेन में हटा के गई है क्योंकि लोगों ने बताया था पीछे कि भैया के लैंडस्लाइड है। कुछ नहीं है ब्रो, कुछ नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। बना लो ये साला मुंह वाली रेंट में, मुंह दूंगा लेकिन मुंह तो मैं नहीं। खाना ना खाना अभी कुछ नहीं मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, खाना नहीं। नाश्ते में क्या मिलेगा सर? मोमोज और चाउमीन। पराठा मिलेगा? पराठा तो बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। कितना? आधा घंटे। मोमो चाउमीन अभी मिल जाएगा? हाँ हाँ, नंबर प्लेट दिल्ली का भैया। आते लोग कम आते हैं या बहुत आते हैं? कम आते हैं, जैसे आप लोग आते हैं। हाँ यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा होंगे। दिक्कत ये हुई कि विष्णु भाई का सीन पता ये है कि भाई थोड़ा मतलब चलो और पेट पूजा कर लो, भाई ये बंदा ना 100 किलोमीटर कंटिन्यू नहीं चल सकता, और यहाँ पे ना भाई आपको ना चपाती मिलेगी ना कुछ मिलेगा, चाउमीन और मोमोज इन सबके भरोसे रहना पड़ेगा। लेकिन मोमोज जो है नॉन वेज है, और भाई यहाँ पे ना वेज वाला बंदा आसानी से सर्वाइव नहीं हो सकता। अच्छा जी भैया, हमें यहाँ पर ना एक बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाई दिया, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, रुक जाओ देखना पड़ेगा एक बार, चलते नीचे आओ। नीचे जा सकते हैं? नीचे हम तो पोखरा जाएंगे, आए ऐसे ही थे। ड्रोन वाला ड्रोन 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 नीचे जा सकते हैं? तो भाई साहब हमको इस बहुत प्यारी लोकेशन का इंतजार था, और भाई देखो पानी देखते ठंडा है कि नॉर्मल है, बट पानी देख रहा हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है भाई, ठंडा है, बहुत चिल्ड वाला नहीं है जैसे अपने आता है ना उधर ऋषिकेश से ऊपर, वो वाला नहीं है बट है। ओ भाई एक बार चल के देखते हैं नीचे इसमें अंदर, थोड़ा जूते पैर नहीं भीग जाए। सही है सब, जो ये इंसान है ना इसकी वजह से सारे व्यू छूट रहे हैं। फाइनली जब मेरी चली ना, जब मैं लीड कर रहा हूँ, तो भाई देखो मतलब मैंने आपको क्या दिखाया, और पता है जितने भाई व्यूज तो बहुत सारे थे पीछे सिर्फ इस आदमी वजह से, ये ना सस्ता जट प्रभजोत, इसकी वजह से अपन आपको प्रभजोत समझता है, हार्दिक पांड्या भी नहीं डाला। बहुत दूर है इंडिया।
हम लोग आए दिल्ली से, बाइक के बराबर का है, इसमें इंजन जो लगा है वो बाइक का लगा है, R15 का। R15 को क्या पता क्या जी? शिट, नेपाली गाना चल रहा है, नेपाली गाना ना भाई की बुलेट है, और देखो इसमें एग्जॉस्ट और भाई पीछे की बैक लाइट क्या बवाल कर रखी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, मतलब नेपाल में भी ना हिंदुज़म कितना अच्छे लेवल पे है भाई। यहाँ श्रवण कुमार है, और श्रवण कुमार के माता पिता जो भाई साहब, अपने सबने स्टोरी पढ़ी होगी ये वाली, तो भाई साहब मतलब इससे प्यारा आपको क्या देखने को मिलेगा भाई। ये है नेपाल की जान, पोखरा सिटी, और भाई इसके लिए ही हम लोग आए थे। मान लो सुबह 10 बजे चले हुए हैं और अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और भाई कंटिन्यूसली बाइक चलाए जा रहे हैं, और ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। मतलब मेरा तो ना मतलब ये व्यू देख के ना मतलब लग रहा है कि अभी सारी थकावट दूर हो गई है, और विष्णु भाई भी थोड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं। विष्णु भाई ठीक है ना आप सब? मज़ा आ गया भाई, इसके लिए तो चल रहे थे कंटिन्यूसली, देखो मेहनत सफल हो गई। एक मिनट, मुझे शायद रुकना चाहिए यहाँ पे। ये देखो आप भाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है एकदम, बिल्कुल आप सिक्का भी डालोगे ना तो भी दिखेगा। और जो इसके साइड में बह रही है ना दूसरी भाई, उसमें सिक्का छोड़ो आदमी डाल दो पता भी नहीं चलेगा कहाँ बह गया। तो भाई ये हम लोगों ने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि अपने को कुछ ऐसा नेपाल देखने को मिलेगा भाई। इतनी क्लीन रोड, इतना लोग प्रॉपर, देखो जेब्रा एलिफेंट रोड क्रॉस कर रहे हैं, और भाई इधर देखो मतलब ये चीज़ ना हाइट पे है पोखरा में भाई। इधर पूरा फार्मिंग हो रही है, और लोग भाई इधर पूरा ना इतने बड़े बड़े घर है, पूरा फार्म हाउस बना रखे हैं, और पीछे भाई ये माउंटेन एरिया पूरा। इधर देखो इधर भाई पूरा लदा खड़ा है एकदम बादलों से। मैंने रेनकोट पहन लिया, बारिश हो रही है, जल्दी निकलना है यहाँ से। विष्णु भाई से बात हो गई, वो 4-5 किलोमीटर आ गए भाई। गाँव देखो कितना सुंदर गाँव है यार, अच्छा थैंक यू ब्रो। आप आओगे ना, आपका आएगा तो भाई साहब मतलब इधर ना बारिश नेक्स्ट लेवल की तेज है। बिल्कुल सही टाइम पर रुक गए हम लोग, और मे भी हो सकता है आगे भी ना जाएं, मे भी अगर यहाँ पे सब चीज़ें सही नहीं तो। इधर आई है हम लोगों की मैगी, और विष्णु भाई मतलब विष्णु भाई की रिले खत्म नहीं हो रही, 2500 पूरे चाहिए। खत्म कर दो भाई, खत्म कर दो, वीडियो को करते हैं एंड। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना बाय। तो मतलब विष्णु भाई को एक्टिंग के देने पड़ेंगे 10 नंबर, मतलब समझ रहे हो नेक्स्ट लेवल भाई। ऊपर मुंह कर लो आप अपना पुणे सुपर स्टार, मतलब भाई के अंदर ना फुल ऑफ एनर्जी है भाई, मस्त मतलब पूरी राइड भाई के साथ, मतलब ऐसा लगा नहीं हम 2 लोग आए। उसमें क्या लगा? 12 लोग हैं हम, 2 नहीं 12 लोग हैं, 6 और 6 12 ठीक है, मतलब ये 5 है मैं 7 हूँ, और डबल शरीर है ना। तो भाई साहब अपने लोकेशन है 9 डंडा, और भाई जबरदस्त लोकेशन है, जबरदस्त रूम पड़ा 600 रुपये का, मतलब AC भी नहीं है ना, फैन है कुछ नहीं है, कंबल मिले हम लोग पूरी, कितना सारा सामान हमारे पास। तो भाई साहब मतलब इधर रुके हैं, और मुक्तिनाथ यहाँ से 160 किलोमीटर अर्ली मॉर्निंग, अगर वेदर सही रहा तो जरूर जाएंगे, क्योंकि अभी तक लोग बता रहे हैं कि हो सकता है रास्ता बंद हो, तो भाई साहब रिस्क नहीं ले एक सकते। एक बात और पूछनी आपसे, आपने जैसलमेर करा है, लद्दाख करा है, कई सारी राइड करी है, मजा कहाँ आ रहा है ये बताओ? मजा सबका सब जगह अपनी जगह है, अपनी जगह है। हाँ, यहाँ कंटेंट कहाँ से खींचा जा रहा है ज्यादा? कंटेंट मैं खुद बना रहा हूँ, तरीका है मेरे अंदर, क्वालिटी है ना भाई। देखो सुनो, 2500 वो 3000 हो गए अब भाई। देखो ये तो करते रहते हैं, इनकी समझ रहना है ना, वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो भी, चलो कर लेना, गरीब आदमी है भाई, थोड़ा पुणे सुपरस्टार का सस्ता सुपरस्टार है।